आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। किसान साथियों, आज हम मिलेंगे नसीब सिंह जी से, जो हमारे युवराज बुल के पूरे खानदान के ब्यूटिशियन हैं। उन्होंने सूरवीर, चांदवीर, बिरला सभी को इस लायक बनाया कि उन्होंने करमवीर जी का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। तो चलते हैं, जानते हैं उनका ये ब्यूटिशियन का सफ़र, जो कि एक एनिमल ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं उनसे सारी बातें। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नसीब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार जी, मैं नसीब कुंगड़ हरियाणा से हूँ। पशुओं को तैयार करता हूँ, इनके सींग बनाना, बाल काटना, जाड़ काटना, पैर बनाना, एज ए एनिमल्स ब्यूटी पार्लर मेरा। मैं पशुओं को अच्छे से तैयार करता हूँ, जैसे रिंग में जाते हैं कंपटीशन लड़ने के लिए, जैसे एक दूल्हा तैयार होता है ऐसे पशु को तैयार किया जाता है, वो सब काम मैं करता हूँ। तो नसीब सिंह जी, आज एक बात जो सामने से मेरे किसान भाई देख रहे हैं, उसे मैं शेयर करने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे करमवीर सर का नाम युवराज के खानदान ने, युवराज के भाई ने, युवराज के बेटे ने बहुत आगे तक बढ़ाया है और वो वर्ल्ड फेमस नाम है जी। लेकिन आपने जो इस युवराज के खानदान के साथ मिलकर काम किया है और इनकी देख रेख और इनकी ब्यूटी जो निखारने का काम किया है, कहीं ना कहीं अगर मैं मानूं तो आपका इसमें पसीना भी लगा हुआ है और खुर से पैर कटवाने में खून भी लगा हुआ है, यानी कि तो आपकी खून पसीने की मेहनत इनके साथ लगी हुई है। यस सर। तो जैसे कि आज ये पूरा खानदान जी वर्ल्ड फेमस है, तो ये सब कुछ देख के आपको कैसा महसूस होता है? सर, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है और इसमें हमारे से ज़्यादा तो हम करमवीर जी को धन्यवाद करते हैं। हर कोई पैसे नहीं लगाना चाहता जी। ये जैसे हमारे को पैसे देते हैं, बहुत अच्छे पैसे देते हैं जी। हर कोई पैसे के लिए जाता है जी। तो अब तो हम पैसे के लिए भी काम नहीं करते हैं, मान सम्मान के लिए काम करते हैं जी। जी। पैसा बहुत कमाया है जिंदगी में जी। कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो करमवीर जी को मैं बार बार धन्यवाद करूँगा, ऐसे पशु तैयार किए इन्होंने जिनसे किसानों में जागरूकता आई कि हम भी ऐसे पशु तैयार करें, होड़ लगें, सबके घर युवराज पैदा हो जी। और सब अच्छे पशुपालक बने, दुनिया में नाम हुए, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो कि जब युवराज का बचपन था? हाँ जी। और आप उसकी देखभाल कर रहे थे और उसकी जो है आप कटिंग करना या कुछ ऐसे कोई सींग बनाना या कुछ भी काम कर रहे थे, तो कभी ऐसी दिक्कत हुई हो या उसने पैर काट दिया हो या कुछ ऐसी कोई दिक्कत दे दी हो, कोई ऐसी बात आपको याद है? नहीं, मैं 2007 से करमवीर जी के पास आता हूँ जी, काम करता हूँ। 2007 में युवराज थे 7-8 महीने के, तब से मैं इनकी देखरेख करता हूँ। आज तक उन्होंने कोई बकवास नहीं की है। अच्छा। बहुत सील सुबह के हैं। अच्छा अच्छा। कोई पशु बकवास नहीं करता। तो अगर हम सूरवीर और चांदवीर के बारे में कहें तो इनका स्वभाव बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल अच्छे हैं। आज तक मैंने इनको किसी पेड़ के नहीं बांधा है काम करने के लिए। जैसे हम अभी आपने देखा, मैं कटड़ी को सींग बनाया पेड़ के बांध के, इनको कभी मैंने बांधा नहीं है। अच्छा, ऐसे ही खुले में बनाता हूँ सींग इनके। सींग बनाना है, कटिंग करना है, पैर को तैयार करना है, तो मैं कभी इनको पेड़ से सटा के नहीं बांधता, ऐसे ही पकड़ लेते हैं और बना देते हैं। अगर एक एंगल से देखा जाए तो आप एक इतना बड़ा एनिमल ब्यूटी पार्लर चलाते हैं जी, तो एनिमल ब्यूटी पार्लर आप चलाते हैं और एनिमल को जो है साज सज्जा करते हैं, तो इस काम के करने में आपको नाम और कितना गर्व महसूस होता है? मैं सर बहुत गर्व महसूस करता हूँ, ग्रेट जॉब है ये जी। एक दूसरे से मिलना, हर रोज किसी न किसी नए बंदे से मिलना, उसके आचार विचार लेना, अपने देना, और साथ में दो रोटी का भी काम हो जाता है, मिलना घूमना फिरना भी हो जाता है, इसे अच्छी बात मैं नहीं मानता। अच्छा, जैसे कि ये काम आपने स्टार्ट किया तो इस काम को आप कितने दिन से कर रहे हैं और ये विद्या आपने कहाँ से सीखी और किससे ये विद्या कलेक्ट की? सर, ये काम मैंने 1997 में सीखा था जी।
तब तो उम्र भी मेरी बहुत कम थी, 12 साल की उम्र थी, सातवीं क्लास का स्टूडेंट था मैं जी जी। उस टाइम पे घर की कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण मैंने ये काम सीखा। ये काम मैंने मेरे मामा जी से सीखा, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, बहुत अच्छे से काम सिखाया। तो आपकी जैसे कि आपने कहा था कि सातवीं क्लास से पास की, तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक हो सकी? सर मैं प्लस टू पास हूँ और वैसे मैंने डॉक्टरी का एक कोर्स भी किया है, एलसीनेटी इंस्पेक्टर का, आईटीआई भी किया है, पढ़ाई जारी है अभी। हाँ बहुत अच्छे। हाँ सर, ये बात सुन के जो है बड़ी खुशी हुई कि आज भी पढ़ाई जारी है। हाँ सर, तो अब एक सवाल आता है कि जैसे युवराज है, हाँ जी, तुम्हारा चांदवीर है, सूरवीर है, धोनी है, बिरला है, बिरला है, तुम्हारा क्या नाम है, भीम है, जितने भी मतलब और अर्जुन है, हैं। हाँ। तो इनमें से अपने किस किस जोटे के साथ काम किया है जो हमारे हिंदुस्तान के सर फेमस जोटे हैं? ये जितने भी फेमस बुल हैं सभी किसान भाइयों को उनके सबके अलग अलग नाम बताएं। सर जितने भी हमारे इंडिया में फेमस पशु हैं सभी का मैंने काम किया है। जैसे कि मेरे गांव में है, पहले खली था, वो सेल कर दिया था, अब अर्जुन है हमारे गांव में, बहुत अच्छा बुल है। मैं पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पवन सियाग जी, वो बहुत अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे से तैयार किया अर्जुन को। और युवराज है, चांदवीर है, सूरवीर है, धोनी है, बिरला है, ये करमवीर जी के पास हैं जी। और जी राजा बुल है, मोनवीर कुंडू के पास है जी। और सर ये रुस्तम है, भाई दलेल के पास है, और सुल्तान है, नरेश जी के पास है। ऐसे हमारे हरियाणा में बहुत सारे बुल हैं। और एक 25 लाख की भैंस बिकी थी हीरा बुल की माँ, जो कपूर सिंगवा के पास थी, मैंने उसका भी काम किया। और वहाँ तमिलनाडु भी ये आंध्रा में जाके भी मैंने काम किया, विजयवाड़ा में उनका वो रिवल्ली, और वहाँ भी वो भी बहुत अच्छे पशुपालक हैं, उनके पास भी 40 झोटे हैं, और सिमन बैंक भी खुद का घर का बनाया है उन्होंने। अच्छा, अच्छा। भाई साहब ने, हाँ मैंने सभी पशुओं का काम किया है। और जैसे शेरवाज के पास हैं, मैं शेरवाज के पास भी काम किया था, अब मेरा छोटा भाई जाता है। अच्छा। क्यों, सभी को मैं टाइम नहीं दे पाता। और जैसे मेले में आए हुए जगराओं में बहुत बहुत स्वागत है, भीम बुल जोधपुर से अरविंद सर का, मैंने उसका भी काम किया है। अच्छा, अभी जो भीम हाँ, आया हुआ है तो हाँ, भीम की वीडियो हाँ, भी आपने ही हाँ, सही की हाँ, है। हाँ, कल ही तैयार किया हाँ, मैंने कल ही तैयार किया आपने। हाँ जी, बहुत अच्छा बुल है। सभी हरियाणा के पशुपालक हैं, जितने भी ब्रीडर हैं मैं सभी का काम करता हूँ। मेरे गाँव में बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, जैसे धर्मपाल है, बिल्लू है, मटरू है, हमारे गाँव में रामेर अजमेर दो भाई हैं, वो भी अच्छे पशु रखते हैं, बहुत अच्छे पशुपालक हैं। हमारा गांव तो है ही पशुधन पे आधारित। हाँ, पशुधन पे आधारित ही गांव है और सब इसी काम में जुड़ गए हैं और हाँ, इसी में। लेकिन कहीं ना कहीं इस काम की जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? सर प्रेरणा स्रोत तो सबसे पहले कोई भी काम होता है अपने गांव में होता है। जी जी, मैं मेरे गाँव में काम करता था, व्यापारी थे, नरसी व्यापारी हमारे गांव में, धर्मपाल व्यापारी, ये दो व्यापारी ऐसे थे जो हर रोज पर डे काम करते थे। और अच्छी भैंसे रखने का शौक है इनको, धर्मपाल जी के पास तो 20 लीटर से कम कोई भैंस नहीं होती जी। और ऐसी नरसी भाई का है, ये अच्छे से सिंह बनवाते, तो इन्होंने मेरे को दल सिंह भाई के पास भेजा, गुवाणा दलवीर है, उनके पास मैंने बहुत काम किया है, इन्होंने आगे भेज दिया। ऐसे ही काम चलता रहा, सिंगवा में काम करता था, सिंगवा वालों ने मेरे को और कहीं आगे भेजा, ऐसे ही मैं ऑल इंडिया में काम करता हूँ। हाँ, हाँ सर। तो भाई जी, जो आप इन पशुओं की ब्यूटी सुधारते हैं या ब्यूटी बनाते हैं या इन्हें सुंदर बनाते हैं, उस ब्यूटी का फायदा क्या होता है पशु में? सर जैसे हम रिंग में जाते हैं, ब्यूटी के अलग से जज भी 10 नंबर देते हैं जी। और अच्छा तो अच्छा होता है सर, नहाया धोया है, हेयर कटिंग की हुई है, सिंग बने हुए हैं, पैर भी बराबर रख रहे हैं, ढील नहीं है, चाल अच्छी है, कैट शो होती है, कैट वॉक होती है, उसमें पैर अगर दाएं बाएं हो जाता तो कैट वॉक से कट जाता है पशु, इससे किसान को बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर किसी पशु में कोई कमी है तो उसको तैयार किया जाए, किसी से भी तैयार करा लो जो अच्छे से तैयार करे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही करवाओ जी। आप किसी से भी करवा सकते हैं जिसे आप अच्छा मानते हैं, ये काम करने वाला अच्छा है। तो सर जी, जैसे कि अगर कोई किसान भाई आपसे अपने पशु की ब्यूटी सही कराना चाहता हो, उसमें सुंदरता में उसके में चार चांद लगाना चाहता हो और अपने पशु के अंदर जो अलंकार लगा के उसे तैयार करना चाहता हो, अपने झोटे को दूल्हा बना के निकालना चाहता हो, तो आप उससे कैसे कांटेक्ट करें आपसे, इसके बारे में थोड़ा सर। मेरा नंबर है 99915 38748।
9915387748 ये मेरा नंबर है। और सर मैं मेरे गांव में 1000 रुपये सिंगों के लेता हूँ, 1500 रुपये पैर बनाने के लेता हूँ, 1500 रुपये हेयर कटिंग के लेता हूँ। अगर कहीं मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा कन्वेंस अलग से रहता है। जो आगे से जो किसान भाई आपको और हमें ये बातें करते हुए सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अपना ये जो एनिमल ब्यूटी पार्लर है उसके बारे में ये कितना ज़रूरी है? सर देखो, अगर मैं ये ज़रूरी बता रहा हूँ तो आगे वाला ये भी सोचता हो ये इसे पैसे चाहिए इसलिए करवा लूँ। मैं तो तभी ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से करवाएं, आप किसी से भी करवा लें, ये काम तो होने हैं। भाई साहब आप सेविंग करवाते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं, तो ये तो है नहीं कि आप एक ही से करवाते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी से भी करवा लो। लेकिन इसके इससे आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी, पशु अच्छे से दूध देंगे, अच्छे से खा पी पाएंगे, आप भी मालिश करोगे, सींग है त्वचा में गड्ढे नहीं, उसमें कमी ना आए, सींग घिसके फट ना जाए, पशु के पैर हैं डील हो जाती है, मवाद हो जाती है जिससे पशु चल नहीं सकता, और ज़्यादा दिन डील रहने से उसके अंदर छाले हो जाते हैं जिससे पशु बिल्कुल भी नहीं चल पाता, वो बार बार कदम उठाता रहता है, कदम उठाएगा रख देगा, उठाएगा रख देगा, उसमें जलन शुरू हो जाती है, इसलिए उनको डील अपने पशु के 6 महीने में निकलवा लेनी चाहिए। तो नसीब सिंह जी, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पशुओं को प्रीपेयर रखवाली करें और अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, आपको भी अच्छा गुणमान देंगे, धन देंगे, दूध देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आप इनका करोगे तो ये आपका करेंगे। थैंक यू। साथियों, आपने नसीब सिंह जी से सारा ये प्रोसीजर जाना कि पशु के लिए कितना ज़रूरी है उसकी ब्यूटी को संभालना। ब्यूटी क्या एक किसान की ड्यूटी बन जाती है कि अगर आप कुछ उसके पेट में डाल रहे हैं तो उसके शरीर की भी देखभाल करें, जैसे कि हमारी सेविंग, बालों की कटिंग, नाखून की कटिंग जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एक अपने पशु में आदर्श गुण लाने के लिए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। साथियों नसीब जी की बातें, नसीब सिंह जी की बातें और मेरी ये कोशिश, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।